जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार के भागलपुर का लाल देश की रक्षा करते हुए पंजाब के पटियाला में गौतम कुमार यादव शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना जैसे ही फोन करके अधिकारियों ने परिजनों को दिए तो पूरे घर परिवार पर मातम का माहौल बन चुका है। पूरे परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। शहीद गौतम कुमार यादव का 10 महीने पहले ही शादी हुआ था। महज अपने शादी के 10 महीने बाद ही यह जवान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दे दिए हैं। शहादत से इनके 10 महीने की वीरांगना पत्नी का रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। आपको बताते चले कि कल शहीद जवान के सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर इनके पैतृक निवास स्थान पर देर शाम को पहुँचाया गया, जहाँ पर पार्थिव शव को देखते ही वीरांगना पत्नी एवं माँ और पिता, भाई बहन सभी का रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। बताया जा रहा है कि भागलपुर में शुक्रवार को देर शाम शहीद गौतम यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव तीनटंगा में पहुंचाया गया। शहीद के शव यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। शहीद गौतम के पार्थिव शरीर को देखने के लिए कई लोगों के भीड़ उमड़ा था और सभी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद गौतम यादव तेरा नाम रहेगा नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक क्षेत्र। बताया जा रहा है कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर को देखते ही सभी का आंख से आंसू का रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि एक युवा जवान फौजी मात्र 23 वर्ष के उम्र में गौतम यादव अपने प्राण को आहुति दे दिए थे। बताया जा रहा है कि कल शहीद जवान के पार्थिव शव यात्रा में लोग इनके पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला बरसा रहे थे। वही देर रात के शहीद गौतम यादव का दाह संस्कार तीनटंगा के जहाज घाट पर किया गया। शहीद गौतम यादव का मुखाग्नि उनके छोटे भाई सौरभ ने दिया। बता दें कि शहीद गौतम यादव का तीनटंगा दियारा का निवासी अरुण यादव का पुत्र आर्मी जवान पंजाब के पटियाला में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दे दिए। जानकारी के अनुसार 19 आर्मी रेजिमेंट पटियाला में पंजाब में कार्यरत था। अचानक बुधवार को सुबह पीटी करते समय बताया जा रहा है कि अचेत होकर गिर गए थे। वही हार्ट अटैक से उनका मौत हो गया था। घटना की सूचना के बाद परिवार में बेहद ही मातामी का माहौल बन चुका था। पूरे परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका था। उनकी पत्नी रश्मि कुमारी एवं मां ललिता देवी बार बार बेहोशी हालत में हो चुकी है। पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ा था। बताया जा रहा है कि शहीद जवान के नवंबर में ही शादी हुआ था। मज अपने शादी के 10 महीने बाद यह जवान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दे दिए। शहीद की शादी रेशमी कुमार के साथ कटिहार के जयनगर ग्राम में हुआ था। गौतम दो भाई थे। गौतम बड़ा भाई था, छोटा भाई सौरभ है। वही पिता अरुण यादव किसान है। बताया जाता है कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर जैसे ही रंगरा चौक पर पहुंचा तो वहां पर देखने के लिए हजारों की संख्या का भीड़ उमड़ पड़ा था। वही शहीद गौतम यादव को श्रद्धांजलि देते हुए हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद गौतम यादव का तेरा नाम रहेगा करते हुए नारा लगाते हुए इनके पार्थिव शरीर पैतृक गाँव में लाया गया, जहाँ पर पार्थिव शव को देखते ही वीरांगना पत्नी एवं माँ और पिता सभी का रो रो कर हालत बेहद ही बेहोशी बन चुका है। बताया जा रहा है कि उनकी बहन की कहना है कि अब कलाई में राखी किसका बांधूंगा। बताया जा रहा है कि शहीद जवान गौतम यादव कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर वापस ड्यूटी पर गए हुए थे और यह जवान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दे दिए। वर्ष 2020 में भारतीय सेना में कड़ी मेहनत के साथ भर्ती हुआ था। वाकई में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होता है तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होती है। हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया कि हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। अगर शहीद जवान गौतम यादव के लिए आप लोग कुछ जरा सा रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ शहीद जवान गौतम यादव का आत्मा को शांति दे और दुख के घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले।